नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि भैया स्कॉलरशिप होता क्या है। स्कॉलरशिप यानी अच्छे जो बच्चे हैं, अच्छे जो पढ़ने वाले हैं, अच्छे मार्क्स से जो बच्चे पास हो रहे हैं, उन बच्चे को सरकार क्या करती है, अपने तरफ से कुछ पैसे देती हैं उनको पढ़ने के लिए, यानी छात्रवृत्ति देती है पढ़ने के लिए, जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो बच्चे अच्छा मार्क्स लाते हैं। अच्छा प्रश्न आता है कि भैया इससे क्या फ़ायदा। इससे यही फ़ायदा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मार्क्स तो अच्छे लाते हैं लेकिन आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं पैसा की कमी के कारण, तो उनको हेल्प हो जाता है। या जो बच्चे के पास पैसा है उनको थोड़ा मिल जाता है तो और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनका मनोबल भी बना रहता है। बट ये स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चे को दिया जाता है जो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, जिनका मार्क्स अच्छा आया हुआ है। उसी के संबंध में वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने एक नोटिस जारी करके बताया है कि भाई जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए इच्छुक है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रश्न आता है कि भैया इसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे क्लास 2021 माने इस साल जो बच्चे पास किए हैं वे अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका मार्क्स अब 80% है या 80% से ज़्यादा है, 80% है या 80% से ज़्यादा है। जो बच्चे इस तरीके के मार्क्स को एबल्ड किए हैं, जिन बच्चे को इस तरीके के मार्क्स मिले हैं, वो बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन हम कहाँ करेंगे भैया? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे आपका काउंसिल ने साइट का आपका ये दिया हुआ वेबसाइट, जैसे https://scholarship.gov.in पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। अब प्रश्न आता है भैया स्कॉलरशिप हम अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, हमारा 80% से ज़्यादा आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हमें पैसा कितना मिलेगा? तो आप भाई रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपया। आपके लिए कितना मिलेगा भैया स्कॉलरशिप में? 10,000। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से लोग इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जो बच्चे 2021 में पास हुए हैं और जिनका 80% से मार्क्स ज़्यादा है, या ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी पहले स्कॉलरशिप ले चुके हैं वो अपना रिन्यूअल करा सकते हैं। जैसे एलिजिबल स्टूडेंट अब 2017, जो ऑलरेडी ले चुके वही रिन्यूअल करेंगे। एलिजिबल स्टूडेंट अब 2018, एलिजिबल स्टूडेंट अब 2019, एलिजिबल स्टूडेंट अब 2020, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए, माने फिर दोबारा इनको स्कॉलरशिप मिल सकता है। और फ्रेश के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जो बच्चे इस साल 2021 में HS पास किए हैं और उनका मार्क्स 80% से अधिक है, यानी या तो 80% है या तो आपका 80% से अधिक है, तो आप ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं भैया, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि भैया स्कॉलरशिप पहला होता क्या है, और दूसरा कि भैया ये नेशनल स्कॉलरशिप क्या के बच्चे जो नेशनल स्कॉलरशिप के लिए इस स्कीम के लिए जो बच्चे एलिजिबल है उनको पता चल पाए और वो अप्लाई कर पाए। इसलिए थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीक़ा से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। बट याद रखिएगा, ये स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021, 31 अक्टूबर 2021, याद रखिएगा ये लास्ट डेट है। जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।